लखनऊ के गोमती नगर में टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज में 5 दिवसीय विराट पुस्तक मेले का समापन बच्चों के संकल्प के साथ हुआ। इस अवसर पर मेले का उद्घाटन पूर्व कमिश्नर विद्याधर दुबे ने दीप प्रज्वलन के साथ श्री राम शर्मा एवं माता जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करके किया। विराट पुस्तक मेले में अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक संरक्षक युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा लिखित साहित्य की पुस्तकें एवं वेदों का हिंदी रूपांतरण का विशाल भंडार उपलब्ध रहा। मेले में हजारों की संख्या में लोगों ने, साहित्य प्रेमी और विद्यालयों के शिक्षक छात्र छात्राओं ने पुस्तकें खरीदी। समापन के अवसर पर विद्याधर दुबे ने अपने संबोधन में कहा कि टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज का यह कदम बहुत ही सराहनीय है। पंडित श्री राम शर्मा जी द्वारा लिखित पुस्तकों का विशाल भंडार यहाँ उपलब्ध रहा। इस अवसर पर कॉलेज के प्रबंधक महादेव प्रसाद ने कहा कि जो बच्चे किताबों से दोस्ती कर लेते हैं उनके जीवन की हर समस्या का समाधान उन्हें मिल जाता है और वह सफलता को प्राप्त करते हैं। कार्यक्रम की संयोजक माधुरी पांडे ने मुख्य अतिथि और आए हुए सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। मेले में कई स्कूलों के बच्चे, अध्यापकों के साथ अनेक समितियों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस आयोजन में मुख्य रूप से कॉलेज के प्रबंधक महादेव यादव, प्रधानाचार्य श्रीमती लक्ष्मी सिंह, सुभाष वाजपेयी, माधुरी यादव, ऋतु सिंह, राम विनय उपाध्याय उपस्थित रही। इसको बेहद सफल बनाया है, यह बेहद सफल है। मतलब हम तो केवल अंतिम क्षणों में प्रसाद ग्रहण करने आ गए हैं, आप लोगों के दर्शन लिखे थे आ गए हैं। अदरवाइज तो मतलब इसमें यह आंदोलन, यह जो आपका कार्यक्रम था 5 दिन का, इसमें बच्चों का इन्वॉल्वमेंट, आप लोगों की देख रहे हैं, यह तो सफल ही सफल था, सफल ही सफल है। और इसकी सफलता का सबसे बड़ा पैमाना यह है कि कोई काम हम लोग यज्ञ करते हैं, खाना करते हैं, पार्टी करते हैं, हुई और ख़त्म हो गई। यह तो एक ऐसी लौ, ऐसी आग, ऐसी ज्योति जलाई गई है 5 दिनों, मुझे लगता है जो अगले सदियों तक बुझने वाली नहीं है। यह एक बच्चा जो भी बोल रहा था, आप लोग जो खड़े हैं इस विद्यालय के बच्चे प्रणाम, यह चिंगारी परमाणु बम दिखता नहीं और हिरोशिमा नागासाकी को खत्म कर सकता है। तो यह जो लौ यहाँ दिखाई पड़ रही है, जो चिंगारी दिख रही है, यह ज्ञान पिपाशा दिख रही है, तो अंतहीन है, यह तो ब्रह्मांड में फैलेगी, आने वाले वक्त में छाने वाला है। तीसरा मेला है, पहले तो एक छोटा मेला लगा, उसके बाद विराट मेला 9 दिवसीय लगा था, अब की बार 5 दिवसीय मेला लगाया गया और मैं भविष्य में इस मेले का आयोजन करता ही रहूंगा। तो सर क्या बदलाव आए हैं इस तरह के मेले के आयोजन? जब आप हमारे बच्चों से मिलेंगे जब, तब आपको पता लगेगा कि वास्तव में यहाँ के बच्चों में बदलाव है या नहीं, क्योंकि हमारे बोलने से नहीं होगा। आप मेरे बच्चों से मिलकर देखें, सुबह प्रेयर में आइए, कभी बच्चों से कोई सवाल करिए किसी भी बात पर, तो वो आपको जवाब देते हैं। क्या अभी मैंने एक पत्रक दिया था किसी को, जिसमें मैं बच्चे 7 बजे 8 बजे उठते हैं, वो इन्हीं किताबों में लिखा हुआ कि आपको कितने बजे उठना है, कितनी उम्र तक पढ़ना है। मैं ये नित्य प्रति बांटता हूँ, इन्हीं पुस्तक से ज्ञान मिला है और मैं इसी ज्ञान में रहता हूँ, सोता हूँ, जागता, सब इन्हीं पुस्तकों में ही अपना समय बिताता हूँ। क्या बच्चों से कुछ कहना चाहेंगे इस आयोजन के बाद? ये साहित्य जो है, इससे पुस्तक पढ़ने में कोर्स में नुकसान नहीं होगा। लोग सोचते हैं कि ये पुस्तकें पढ़ेंगे तो बच्चों को जो किताबी ज्ञान है, जो परीक्षा का, नौकरी का ज्ञान है, उससे दूर हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इस पुस्तक को पढ़ करके बच्चे में संस्कार आएंगे और उनकी दिनचर्या सुधरेगी, और दिनचर्या सुधरेगी तो निश्चित रूप से उनके संस्कार बदलेंगे और वो हर बुद्धि, विवेक और स्वास्थ्य में सब में सही हो जाएंगे। कॉलेज की प्रिंसिपल हैं और इस नाते जो है आपने भी काफी इस मेले में प्रयास किया बेहतर बनाने के लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगी इस आयोजन पर? आज आखिरी दिन है समापन का। पहली बात तो मैं सभी को धन्यवाद दूंगी कि टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज में हमारे गायत्री परिवार की बहन जी माधुरी मैडम ने ये पुस्तक मेला लगाया। उसमें पुस्तक मेला लगाना बहुत अति आवश्यक हो गया है। आजकल का बच्चा मोबाइल से दोस्ती करने लगा है,
जबकि बच्चे को किताबों से दोस्ती करनी चाहिए। जिससे युवा भटक रहा है जो, उसका एक उदाहरण है, हम जगह जगह पुस्तक मेला लगाएंगे तो बच्चे पढ़ेंगे, पढ़ के ज्ञानवान बनेंगे। ऐसा है कि आजकल हम लोग पेड़ के पत्ती में पानी डाल रहे हैं, हमको पेड़ की जड़ में पानी डालना चाहिए, ताकि जड़ में पानी डालें तब पत्ती और फूल अच्छे से बने। क्योंकि बच्चे को ज्ञानवान सब बना रहा, पीएचडी होल्डर, एमबीए, इंजीनियर, बहुत सारी शिक्षा बहुत विद्यालय वाले दे रहे हैं, और कहीं ऐसा ना हो जाए हम शिक्षा के चक्कर में पढ़कर हम विद्यालय वाले कहीं ज्ञानवान रावण ना बना दे। हमें ज्ञानवान राम बनाना है, अज्ञानवान रावण नहीं बनाना है। ज्ञानवान रावण था, वो संस्कार भी ही था, तो हमको राम बनाना है। आप सभी मीडिया बंधु से भी निवेदन है कि जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगी बच्चों से कि अब्दुल कलाम जी ने किताब से दोस्ती की थी, विवेकानंद जी ने किताब से दोस्ती की थी, तब वो महान हुए थे। तो हमारे बच्चे भी, आजकल का युवा अगर किताब से दोस्ती कर ले, तो जो भटकता है युवा है वो फिर से इस युवा के बीच में ही एक विवेकानंद पैदा होंगे और एक अब्दुल कलाम पैदा होंगे। फिर से पुनः गायत्री पर्व में धन्यवाद दूंगी, विद्यालय के सभी स्टाफ को धन्यवाद, हमारे आए हुए अतिथि जी को धन्यवाद कि सबने मिलकर इस पुस्तक मेला का बहुत विराट रूप प्रस्तुत किया। प्रबंधक जी के आदेश से आदेश दिया है, अब प्रतिवर्ष सर यहाँ पे विद्यालय में पुस्तक मेला का विमोचन करेंगे। फिर से पुनः धन्यवाद देती हूँ। आज जो है टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज नगर में विराट पुस्तक मेले का आयोजन किया गया, और पता ये चला है कि तीसरा मेला आप लोगों के सहयोग से आयोजित किया गया। क्या कहने चाहेंगे, किस तरह का जो है परिवर्तन हो रहा है इस तरह के मेले आयोजन? बहुत परिवर्तन हो रहा है, जैसा कि आजकल के ये जो मोबाइल युग आ गया है, जिसको कि इसके अतिरिक्त किसी को चाहे वो, हम लोग दोष तो देते हैं बच्चों को कि बच्चे बड़े बिगड़ रहे हैं, लेकिन क्या हम लोग क्या ये सोचते हैं कि हम लोग उतने ही मोबाइल के प्रेमी हो गए हैं, बूढ़े से लेके बड़े तक? तो अगर हम ये मोबाइल पर ही रहेंगे तो हमारी संस्कृति जो है खत्म हो जाएगी, और हमारी संस्कृति बचाने के लिए हम गायत्री पर्व वाले भरपूर प्रयास कर रहे हैं, जिसके कारण हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जो 3200 किताबें लिखी हैं हर विषय पर लिखी हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमारी ये संस्कृति को बचाने के लिए हम स्कूलों में शिक्षकों के पास जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो स्कूल कॉलेजेस हैं, शिक्षण संस्थाएं हैं, वहाँ पर गीली मिट्टी है, बच्चे हमारी गीली मिट्टी हैं, अगर हमको उनको जिस तरह ढालेंगे वैसे ढल जाएंगे। तो हम लोगों का प्रयास ही रहता है कि हम स्कूलों में पुस्तक मेले इसी तरीके के लगाते हैं, और हमको वहाँ के प्रबंधक और वहाँ के प्रिंसिपल का बहुत ही सहयोग मिलता है, जिसको जो हम लोग को दो दो दिन का समय देते हैं। डीडी कॉलेज इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल और प्रबंधक के मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा हॉल उन्होंने हमको बिना किसी शुल्क लिए दिया, और यही नहीं उन्होंने पूरा सहयोग किया हर तरह से। तो हम लोग बड़े खुश हैं कि यहाँ पर हम लोग तीसरी बार पुस्तक मेला लगाए हैं, और कल ही हमारी प्रिंसिपल जी ने, टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल जी ने ये बताया, आप लोग हर साल हमारे यहाँ इसी तरीके से पुस्तक मेले लगाए, इसलिए हम उनका बहुत 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 धन्यवाद करते हैं। हमारे प्रबंधक श्री महादेव यादव जी का बहुत आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने बहुत ही सहयोग किया, बहुत प्यार दिया, बहुत हम लोग साथ साथ ही 5 दिन तक रहे। अगला पुस्तक मेला हम लोग बहुत जल्दी यहाँ आयोजित करेंगे, वैसे हम लोग दो दो दिन का पुस्तक मेला जो है स्कूल में लगाते रहते हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में जब लगाते हैं बड़ा पुस्तक मेला, तभी हम लोग जो है सब किसी तरीके से प्रचार प्रसार करते हैं, और अदरवाइज हम लोग दो दो दिन के पुस्तक मेले आज तक हम लोग जुलाई से चल में करीब हम लोग 15 स्कूलों में पुस्तक मेले लगा चुके हैं, जो डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज और हाई स्कूल स्कूलों में लगाते हैं, जहाँ हमारे बच्चे खूब किताबें खरीदते हैं और ले जाकर पढ़ते हैं, और हमसे क्वेश्चन भी करते हैं और पूछते भी हैं कि आप हमको ये किताबें अब कहाँ से मिलेंगी, तो हमको बताते हैं हम हमारे यहाँ एड्रेस देते हैं, आप हमारे घर आइए आपको हम किताबें देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और आप चैनल देशपद्य न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।